हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। और सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एज अ प्रोफेशन कॉमर्स को चूज़ किया है। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमर्स बहुत अच्छी लाइन है, काफ़ी सारे फ्यूचर्स हैं इसमें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप यहाँ पर वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं। आप 11th में कॉमर्स, 11th 12th कॉमर्स से करेंगे, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, कैट मैट जेड सेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्सेज में आप सीए सीएस सीएमए सीएफए ये बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपने कॉमर्स चूज़ करिए। सो आज हम अपनी क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि जो 11th में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगे चलने के लिए, कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की कुछ बेसिक टर्म्स। मेरे साथ मैं यासिर अली, आज हम अपनी पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको हर वीडियो के बाद वीडियो मिलती रहेंगी, चैप्टर वाइज वीडियोस बनती रहेंगी, हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स हमें सीखनी है। आज की वीडियोस में हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, शॉर्ट वीडियोज हम आपके लेकर आएंगे आपके लिए, ओके, जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, आपको बोरिंग भी ना लगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले है हमारे पास बिजनेस। अगर देखिए हमें सबसे पहली चीज़ है बिजनेस, तो आप सबने सुना है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस कहाँ से बना? बिजीनेस से। तो वो एक्टिविटी जो आपको क्या रखे, बिजी रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब बिजनेस आप क्यों करोगे भाई? कोई भी पर्सन क्यों बिजनेस करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड लॉसेस अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो क्या है बिजनेस? एक लीगल एक्शन है। बिजनेस शुड बी लीगल, कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और आपका मेन मोटिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न इनकम। चाहे आप एजुकेशन का बिजनेस करते हो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हो, चाहे आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो, या आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ऑल आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ओके, लेट्स कैरी ऑन। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। तो देखो बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, कि हमारा बिजनेस करने के लिए देर इज़ नो नीड टू हैव स्पेशलाइज नॉलेज, देर इज़ नो नीड टू हैव स्पेशलाइज स्किल्स, कि हमें स्पेशलाइज स्किल्स और स्पेशलाइज नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। बट When we choose profession, then we have some special skills. हमारे पास कुछ special skills होने चाहिए, हमारे पास specialized knowledge होनी चाहिए। तो what is the definition of profession? Any work done in order to earn profit, which is necessarily requires prior training and education. तो आपको उसके लिए क्या training, आपको education आपके पास होनी चाहिए। For example, lawyers. अब lawyer के पास क्या होती है? Law की degree होती है, उसने LLB किया होता है, उसने LLB किया होता है, LLM किया होता है। ओके, अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स ने अपने प्रोफेशन के कोर्सेज किए होंगे, ठीक है, वो MCOM कर सकता है, वो MA कर सकता है, वो MTech कर सकता है, उसके बाद वो टीचिंग कर सकता है। डॉक्टर्स MBBS, BDS, MD ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या लगती है? एक स्पेशलाइज स्किल लगती है, स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ये किसकी डेफिनेशन में कवर होगा? प्रोफेशन की डेफिनेशन में कवर अप होगा। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। तो देखो जनरली बेटा आप लोगों ने किसी दुकान पे, किसी शॉप पे लिखा दे रखा होगा PROP. तो आपको उससे पहले शायद हो सकता है पता भी हो, बहुत से बच्चों ने सुना होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो प्रोप्राइटर का होता है, प्रोप्राइटर बिजनेस का वो ओनर होता है जिसने अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हो। कौन होता है प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर वो पर्सन है जिसने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हो बिजनेस को करने के लिए। तो क्या डेफिनेशन हुई? द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एंटाइटल टू हैव ऑल बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। और वो किसके लिए एंटाइटल्ड है? या तो उसको बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो बिजनेस को एंजॉय करेगा, अगर लॉसेस होंगे तो उन लॉसेस को क्या करेगा? बियर करेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड आया निकल कर हमारे पास, द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल। क्या वर्ड निकल कर आया? कैपिटल। वॉट इज कैपिटल? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, वॉट इज कैपिटल? तो कैपिटल इज दैट अमाउंट बाय विच प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस। कैपिटल वो सम है,
कैपिटल वो सम कैश भी हो सकता है और कुछ गुड्स भी हो सकते हैं और कोई एसेट भी हो सकती है जिससे प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपये अपने बिजनेस में कैश लगाया, तो जो कैश है वो मेरे बिजनेस में क्या लगा दी, मैंने कैपिटल लगा दी। मैं बिजनेस में कैश के साथ साथ कुछ प्लांट कुछ मशीनरी भी लगा रहा हूँ, तो कैश के साथ साथ जो प्लांट है जो मशीनरी है वो भी किसका पार्ट बन जाएगा, कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। वॉट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाई द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो भी पैसा प्रोप्राइटर कहाँ लगाएगा, अपने बिजनेस में लगाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ओके, सो द डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स और एसेट्स विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर वाइल कमेंसिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो सिंपली हमने देखा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट अगर हम देखें लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज कहां से बनी, द वर्ड लाइबल, लाइबल वर्ड से लाइबिलिटीज बनी। आप सबको लाइबल का मतलब पता होगा, लाइबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिम्मेदार। तो लाइबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारियां, बिजनेस की वो जिम्मेदारियां जो हमें फ्यूचर में क्या करनी है, पे करनी है। बिजनेस की वो कुछ जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस की वो कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें फ्यूचर में क्या करनी है, पे करनी है। तो कौन कौन सी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, आइए देखते हैं। द अमाउंट दैट बिजनेस ओज टू अदर्स इज कॉल्ड इट्स लाइबिलिटीज। वो उधारी या वो उधार जो बिजनेस अपने ऊपर किसका रखता है, दूसरों का। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस ने कुछ लोगों से उधार में कुछ ले रखा होगा, तो जो जितना पैसा बिजनेस ने ले रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। दीज आर टू टाइप ऑफ, देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। हमारे पास कितने टाइप की लाइबिलिटीज होंगी, दो, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और दूसरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है, जिसका पेमेंट हम कब करें, जिसका पेमेंट हमें कब करना होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर, एक साल के बाद जिन लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना होता है वो लाइबिलिटीज कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटी जिनका पेमेंट हमें कब करना होता है, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जिन लाइबिलिटीज को हमें पे करना होता है उन लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स। अब देखिएगा, अभी हमने देखा जो पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, बताओ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उसको, उसको हमने क्या बताया था, प्रोप्राइटर। और जितना पैसा वो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक पर्सन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, उस लगाने के बाद उसको कुछ अपने लिए पर्सनली कुछ पैसे की या कुछ गुड्स की उसको ज़रूरत हुई, तो वो क्या करेगा, किसी से उधार लेने तो नहीं जाएगा। जो पैसा उसने कहाँ लगाया था, अपने बिजनेस में लगाया था, वो पैसा वो वहाँ से क्या कर लेगा, निकाल लेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विदड्रॉन बाई द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब बताओ जो पैसा बिजनेस में लगाया था किसने, ओनर ने, ओनर को हमने क्या बोला, प्रोप्राइटर। और जितना पैसा लगाया था उसको हमने क्या बोला, पैसा या गुड्स क्या बोला उसको, कैपिटल। अब आप उसी पैसे में से कुछ पैसा या कुछ गुड्स अपने लिए पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो, तो बताइए जो पैसा या जो गुड्स आपने एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, वो आपका पैसा या वो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आगे लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस बाय मेकिंग ड्रॉइंग्स। हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स क्या है, All the resources of the business have economic value or called assets. तो जितनी भी resources हैं business की, resources का मतलब जिससे हम कुछ earn करते हैं, हमने अपना business start किया chairs से, हमने अपना business start किया furniture से, हमारे पास कुछ plant है, हमारे पास land है, हमारे पास building है, ये सब क्या है, हमारी resources हैं business की, और ये हमें क्या देती हैं, जिनकी क्या होती है, अपनी economic value होती है। अब chair है, 500 रुपये की एक चेयर है, तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, और वो क्या करती है, वो क्या है, हमारी बिजनेस की रिसोर्सेज है। दीज रिसोर्सेज हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड हैव फ्यूचर वैल्यू। और ये क्या करती हैं, प्रॉफिट को अर्न करने में हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और इनकी फ्यूचराइज कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो देखिए हमारे पास एसेट कौन कौन सी होंगी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट का मतलब क्या है, कि जिनको बेचकर पैसा जल्दी नहीं मिलेगा, जिनको बेचकर जो जल्दी नहीं बिक सकती, जिनको बेचकर जल्दी पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो वो दो टाइप की हैं, एक टेंजिबल है और दूसरा इनटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये दिस इज द बोर्ड,
आई कैन टच इट, मैं इसको टच कर सकता हूँ और ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है. ओके आपने फर्नीचर देखा, आपने प्लांट देखे होंगे कहीं भी, अगर आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो फर्नीचर आपको दिखाई देता है. तो फर्नीचर की क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है. ओके और दैट कैन बी टच्ड, उसको हम टच भी कर सकते हैं. तो उसी को क्या बोला हमने, टेंजिबल एसेट. वॉट अबाउट इनटेंजिबल? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम टच नहीं कर सकते. लाइक बिजनेस की अपनी क्या होती है, गुडविल. गुड का मतलब अच्छा, विल का मतलब रेपुटेशन. तो बिजनेस की अपनी क्या होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है. अब बिजनेस की गुडविल है तो गुडविल क्या हो जाएगी, वो इनटेंजिबल एसेट हो जाएगी. पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करनी है. ओके नेक्स्ट इज है हमारा करंट एसेट. तो करंट का मतलब फॉरन, करंट का मतलब ये नहीं कि करंट लग गया फॉरन. तो करंट का मतलब है कि जो चीज को बेच कर आपके पास फॉरन क्या आ जाएगा, कैश आपको मिल जाएगा, विद इन अ ईयर आपको कैश मिल जाएगा. एक होती है लिक्विड एसेट, उनको भी डिस्कस करेंगे. वो ऑलरेडी लिक्विड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल गीला गीला, मतलब जैसे पानी है आपने निकाला, ऐसी कैश. जैसे आपने कहा भाई ये चीज़ कितने की, आपने 10 रुपये पॉकेट से निकाले, तो आपने एक पेमेंट किसमें करा, लिक्विड एसेट में. ओके तो दीज एसेट्स विच इज हेल्ड बाई द बिजनेस विद द पर्पज कन्वर्टिंग दैम इन टू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो एसेट जो किसमें कन्वर्ट हो सकती है, कैश में कन्वर्ट हो सकती है, किस पीरियड में, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल कैश ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है. बैंक आपने पास, आपके पास एटीएम है, आप एटीएम में गए, एटीएम जो कार्ड है उसको स्वैप किया आपने, मशीन में लगाया, प्रोसेसिंग की और आपके पास कैश आ गया. डेटर्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा. तो अब हमारे पास है डेटर्स. तो डेटर वो पर्सन है जब फर्म ने, बिजनेस ने किसी को कुछ उधार में सामान बेचा है, तो जिस पर्सन को बेचा है वो पर्सन कौन कहलाता है, डेटर्स. द पर्सन, फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन. वो पर्सन भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. हु टेक गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उन्होंने क्या लिया हो, गुड्स एंड सर्विसेज को किस पर लिया हो, उधार पर लिया हो, किससे, फ्रॉम द बिजनेस. अगर किसी ने हमारे बिजनेस से, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, गुड्स एंड सर्विसेज हमारे बिजनेस से उधार में ली हैं, तो हमारे कौन होंगे, डेटर्स. और डेटर्स कौन सी एसेट में आता है, करंट एसेट का पार्ट होता है. ओके नेक्स्ट इज स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब है वो गुड्स जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बिक नहीं पाए, हेल्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक. Those goods which are left unsold in the business at the end of accounting year, the goods unsold at the end of the year are called closing stock. Next is prepaid expenses. Those expenses which are paid in advance. वो expenses जो आपने advance में paid कर रखे हैं. Suppose करते हैं मैंने अपनी coaching का rent, अभी क्या चल रहा है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो मैंने मान लेते हैं दिसंबर तक का मैंने रेंट क्या कर दिया, पहले से ही पेड कर दिया. तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को मैं कब तक यूज़ कर सकता हूँ, दिसंबर तक यूज़ कर सकता हूँ. तो ये जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे क्या होते हैं, करंट एसेट का पार्ट होते हैं. आई होप स्टूडेंट्स अभी तक जितने हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को, बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया, आई होप वो आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो. अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा है, अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इस बात तक ज़रूर पहुंचाएं. ओके थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द चैनल यासिर अली क्लासेस. थैंक यू.